जिले में अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने शिवपुरी रोड स्थित इको सेंटर पर रेत से भरे दो ट्रकों को रोका। पुलिस ने ड्राइवर से रॉयल्टी मांगी तो वह नहीं देख सका। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ड्राइवरों के खिलाफ चोरी से रेत ले जाने का मामला सिटी कोतवाली में दर्ज कराया। ट्रैफिक सूबेदार अनिल बाथम ने बताया कि गुरुवार रात वह गश्त कर रहे थे। रात करीब 10 बजे शिवपुरी रोड पर एक ट्रैक्टर तेजी से गोरस की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। ड्राइवर के चलाने से अंदाजा लगा कि ट्रैक्टर अवैध परिवहन कर रहा है। सूबेदार ने ट्रैक्टर का पीछा करते हुए इको सेंटर के पास उसे रोक लिया। सूबेदार को पूछताछ में ड्राइवर हरिओम पुत्र श्याम माली निवासी हीरापुर थाना मानपुर बताया। पुलिस ने रॉयल्टी मांगी तो वह नहीं दिखा सका। सूबेदार के मुताबिक जब वह ड्राइवर हरिओम से पूछताछ कर रहे थे तभी बिना नंबर का दूसरा ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रॉली चेक की तो उसमें रेत भरा हुआ था। सूबेदार दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर ड्राइवरों के खिलाफ चोरी से रेत ले जाने का मामला दर्ज कराया है। दो ट्रॉली रेता के पकड़े गए हैं अवैध खनन के। उस पर धारा 379 चोरी का मुकदमा कायम, रेत चोरी का मुकदमा कायम कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्योपुर से मयंक दुबे की रिपोर्ट।